दोस्तों, अक्सर हम लोगों के प्रति अपने ही मन में एक विचार बना देते हैं, जिसके कारण हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो आज की एक कहानी इसी विषय पर कि हमें अपने कोई भी फैसले बिना सोचे समझे और जल्दबाजी से नहीं लेने चाहिए। हमें चाहिए कि कोई फैसला लेने से पहले या किसी के बारे में कोई विचार रखने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उनियाल आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और उसके बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे तोते के बारे में है। दोस्तों, एक राजा के पास एक तोता था जो कि राजा को बहुत ही प्यारा था, और वह तोता भी राजा के प्रति काफ़ी वफादार और ईमानदार था। एक दिन राजा उस तोते के साथ खेल रहा होता है और वो तोता राजा से कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से जंगल में अपने परिवार के पास नहीं गया हूँ, तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने जंगल में जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल में अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दें। राजा सोचता है कि बात तो सही कह रहा है, तो राजा उसे अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे देता है और साथ ही साथ कहता है कि तुम 4 दिन में वापस लौट आना। अब 4 दिन बाद तोता जब लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एक गांव मिलता है, जिस गांव में एक आम का पेड़ होता है, और उस आम के पेड़ की खासियत होती है कि जो भी उसका फल खाएगा वो अमर हो जाता है। तो तोता राजा के लिए एक आम तोड़कर अपने साथ लेके जाता है। रास्ता काफ़ी लंबा होने के कारण तोता रात्रि को विश्राम करने के लिए एक पेड़ के पास रुक जाता है और उसी पेड़ पर आम को नीचे रखकर सो जाता है। अब रात्रि में उस आम को एक सांप थोड़ा सा जूठा कर देता है। अगली सुबह सांप के द्वारा आम को जूठा किए जाने की बात से अनजान तोता उस आम को लेकर महल में पहुंच जाता है और वो आम भेंट स्वरूप जाकर राजा को दे देता है। राजा उस आम में से एक टुकड़ा निकालकर अपने कुत्ते को दे देता है और कुत्ता उस जहर से तुरंत ही मर जाता है। जो देख के राजा भी आग बबूला हो जाता है और उस तोते को तुरंत ही मरवा देता है और उस जहरीले आम को अपने राज्य के बाहर फेंकवा देता है। और राजा अपने नगर में यह घोषणा करवा देता है कि उस पेड़ से कोई आम नहीं खाएगा, क्योंकि उस पेड़ के आम जहरीले हैं। इस बात को कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन उस नगर में एक परदेसी औरत आती है जो कि काफ़ी थकी हुई होती है। उसे भूख भी काफ़ी लगी होती है और राजा की घोषणा से बेखबर वह उसी पेड़ से एक आम निकाल कर खा लेती है। फिर कुछ दिन बाद नगर में यह बात फैल जाती है कि वह औरत जिसने वह जहरीला आम खाया था वह मरने की बजाय दिन प्रतिदिन और भी जवान और खूबसूरत होती जा रही है, और यह बात राजा तक पहुंच जाती है। अब राजा को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने सबसे प्यारे तोते की बात की सच्चाई जाने बगैर ही उसे मरवा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी फैसला हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात की पूरी सच्चाई जान लेने के बाद ठंडे दिमाग से सोच समझकर हमें कोई फैसला लेना चाहिए। कई बार हम सामने वाले की परिस्थिति से अनजान बेवजह किसी से नाराज़ हो जाते हैं और अपने रिश्तों में दरार पैदा कर लेते हैं। दरअसल हमें चाहिए कि हम सामने वाले की परिस्थिति को समझें और पूरी सच्चाई का पता लगाने के बाद ही कुछ फैसला लें। इस तरह से हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी छोटी छोटी बातों से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक उसी तरह आप भी हमें लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।